सही है। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स बनाना भी सीख लेते हैं। रिस्पॉन्स बेसिकली एक XML डॉक्यूमेंट आएगा। अगर हम वापस चलें फेसबुक की अपनी अपलोड में, तो अगर ये सैम्पल रिस्पॉन्स भी इसने दिया होगा एक नीचे, और एग्जाम्पल रिटर्न XML देखें, तो रिटर्न XML जो आएगी उसमें विड होगा, ये वीडियो की ID है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, इस तरह का एक स्कीमा हमारे पास आएगा। XML डॉक्यूमेंट आएगा हमारे पास, उस XML डॉक्यूमेंट को हम पार्स करेंगे और उसमें से हम वीडियो का ID और टाइटल डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं और यूज़र को वापस शो कर सकते हैं कि ये वीडियो आपकी अपलोड हो गई है। सही है। तो अभी कोड बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, वीडियो मुझे अभी अपलोड भी करनी है, तकरीबन घंटे भर की बन गई है, तो इसको यहीं पर रखते हैं। लेकिन आपने एग्जाम्पल रिस्पॉन्स देख लिया है, इसको मैं एक्सेस करने का जो तरीका है वो आप यूज़ करेंगे HTTP वेब रिस्पॉन्स की क्लास। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कैसे एक्सेस करना है। तो डिम माई रिस्पॉन्स एज system.net.http वेब रिस्पॉन्स, और वेब रिस्पॉन्स आएगा हमारा माई रिक्वेस्ट स्ट्रीम गेट रिस्पॉन्स डॉट माई वेब रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट स्ट्रीम नहीं, माई वेब रिक्वेस्ट जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा, गेट रिस्पॉन्स, गेट रिक्वेस्ट नहीं, डॉट रिस्पॉन्स, एक सेकेंड, डॉट गेट रिस्पॉन्स। थोड़ी सी रात हो गई है तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा नींद सी आई हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। तो इसको हम रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारा वेब रिस्पॉन्स में आया है, तो इसको हम सीट डायरेक्ट कास्ट करेंगे .system.net.http वेब रिस्पॉन्स में। सही है, देख लें ये। फिर हम एक स्ट्रीम बनाएंगे, डिम माई स्ट्रीम एज न्यू io.streamReader इज इक्वल टू, अच्छा माई स्ट्रीम तो पहले कर चुके हैं हम डिक्लेयर, माई स्ट्रीम रीडर माई रिस्पॉन्स डॉट अच्छा ये देख लीजिए आप, माई स्ट्रीम रीडर एज न्यू स्ट्रीम रीडर माई रिस्पॉन्स डॉट गेट रिस्पॉन्स स्ट्रीम, और उसके बाद ये रिस्पॉन्स स्ट्रीम को जो अब आप करेंगे तो सीधा सीधा अगर हम लिख दें रिस्पॉन्स डॉट राइट माई स्ट्रीम रीडर डॉट रीड टू एंड, तो ये यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स शो कर देगा। यहाँ मैं बहुत छोटा रख रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और प्लस जो है काफ़ी देर हो चुकी है वीडियो में, तो बेसिकली मैं रिस्पॉन्स इसमें दिखा भी नहीं रहा था, लेकिन ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरह आप इसका रिस्पॉन्स रीड कर सकते हैं। तो वेब HTTP वेब रिस्पॉन्स का एक टाइप बनाएं और माई वेब रिक्वेस्ट डॉट गेट रिस्पॉन्स कॉल करें, उसको कास्ट करें system.net.http वेब रिस्पॉन्स में, एक स्ट्रीम रीडर बनाएं और माई रिस्पॉन्स डॉट गेट रिस्पॉन्स स्ट्रीम उसमें पास करें, और फिर रिस्पॉन्स स्ट्रीम को आप चाहें तो XML में लोड कर लें, चाहें किसी डेटा सेट में लोड कर लें, और अगर डेटा सेट में लोड करना चाहते हैं ताकि आप ग्रिड व्यू में दिखा दें उसको, या उसको कुछ भी करना चाहें तो डेटा, तो आप यूं कर सकते हैं रीड XML, क्योंकि बेसिकली XML डॉक्यूमेंट है लेकिन एज अ स्ट्रिंग वापस आ रहा है, तो रीड XML का मेथड यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आप न्यू system.xml.xml टेक्स्ट रीडर उसमें पास करेंगे स्ट्रिंग रीडर, और स्ट्रिंग रीडर में आप पास करेंगे माई स्ट्रीम रीडर डॉट रीड टू एंड, स्ट्रीम रीडर डॉट रीड टू एंड, जो भी स्ट्रिंग मतलब XML का होगा वो आप इसमें पास कर देंगे। सही है, और फिर ग्रिड व्यू में आप ds.tables1 और ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड, या अगर आप इसको XML डॉक्यूमेंट को पार्स करना चाहते हैं तो वो मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया बेसिक कि रिस्पॉन्स किस तरह लेते हैं, और रिस्पॉन्स में आपको पता है वीडियो की ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और चीज़ें वापस आ रही हैं। तो खैर हमने आज की वीडियो में ये देख लिया किस तरह अपलोडिंग करनी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल करें rafael@gmail.com। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।